नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी 24/7 न्यूज में। मैं आपके साथ निशुनियाल। पहाड़ों की रानी मसूरी में आज बगलाड़ घाटी विकास मंच द्वारा यहां पर जो है सांस्कृतिक इगास बड़ी बगवाल का जो है वो आयोजन किया गया है। कहा जाता है पूरे जौनपुर जौनसार रवाई क्षेत्र में कि इनको जो है वो एक महीने बाद पता चला था कि जब भगवान राम श्री राम जो है अयोध्या वापस लौट कर आए थे, तो इसी को लेकर जो है वो पहाड़ों में ये बड़ी दिवाली बड़ी बगवाल जो है वो मनाई जाती है, जिसमें कई प्रकार के अखरोट चूड़ा जो है वो प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। यहाँ पर रसाकसी जिसको भांड कहा जाता है गढ़वाल में, वो जो है बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इसी को लेकर जो है वो बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से किस तरीके से जो है ये बगवाल मनाई जा रही है। सर क्या कुछ कहेंगे, आज जो है आपके द्वारा यहाँ पर एक आयोजन किया गया है, यहाँ पर जो है वो बगवाल मनाई जा रही है, किस तरीके का उत्साह जो है लोगों में देखने को मिल रहा है? देखिए, ये अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच मसूरी द्वारा पिछले कई सालों से मसूरी में ये मंगसीर बगवाल मनाई जा रही है, और इसके मनाने के पीछे कई मान्यताएं हैं, लेकिन मेन मान्यता एक मान्यता के अनुसार लोग इतिहासकारों का कहना है कि जब भीड़ भर माधव सिंह भंडारी तिब्बत विजय प्राप्त करके गढ़वाल वापस आए थे, तो वो ये इस बात का पता इस क्षेत्र अगलाड़ और यमुना घाटी के लोगों को लगभग एक महीने के बाद लगा था, और इस खुशी में ये मंगसीर बगवाल मनाई जाती है जो राष्ट्रीय दिवाली से पूरे एक महीने के बाद मनाई जाती है। और कुछ मान्यताओं का अनुसार यह है कि जब भगवान राम लंका विजय करके वापस आए थे, तो इस बात की खबर भी एक महीने बाद क्षेत्र के लोगों को लगी थी, तो इसको मनाया जाने लगा है, जिसको पुरानी दियाई या मंगसीर बगवाल के नाम से जाना जाता है। और ये पूरे जौनपुर जौनसार और रवाई घाटी में इसको लगभग एक हफ्ते तक मनाया जाता है। काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पर आई हैं अपनी पारंपरिक वेशभूषा को लेकर, तो क्या कुछ जो है वो कहना चाहेंगी? कहीं ना कहीं अपने रीति रिवाज संस्कार हम चाहे पहाड़ से भले ही थोड़ा सा दूर रहते हैं, वो शिक्षा के लिए हमें जो है वो आज पहाड़ छोड़कर जो है वो शहरों में रहना पड़ रहा है, लेकिन हम अपनी संस्कृति से आज भी दूर नहीं है। जो ये संस्कृति का जो कार्यक्रम है, ये हम इसलिए शहर में मनाते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम दिखाएं कि हमारी जो मूलभूत जो संस्कृति है वो इस तरह की है, और हमें अपनी संस्कृति से बहुत प्यार है, उसको लेके हमने एक जागरूकता के रूप में ये बगवाल मेले का आयोजन किया है। यहाँ पर जो है वो बहुत ही उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, बड़े जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो है वो लोगों ने भागीदारी अपनी दी है, महिलाएं जो है अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये आयोजन पूरे पहाड़ को जो है वो प्रेजेंट करता है। अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच का ये उद्देश्य रहा है, 2009 में हमने इसका गठन किया था, पहले हम इसको मरोज मेले के रूप में मनाते थे, अब हम लोगों ने इसको हमें क्योंकि यहाँ पर जमीन मिली है नगर पालिका के माध्यम से, तो हम लोग जितने प्रवासी हैं जो मसूरी में रहते हैं या देहरादून में रहते हैं, सब लोग इकट्ठा होकर यहाँ पे अपनी वेशभूषा में पारंपरिक परिधान में आके जो है ये मंगसीर बगवाल मनाते हैं। इसमें चूड़ा होल्डे जलाए जाते हैं, दीप्ता लगाया जाता है, दीप्ता में दीप्ता पूजन होता है, उसके बाद होल्डे जलाए जाते हैं। गाँव में तो ये कार्यक्रम जो है शाम के टाइम होता है और एक हफ्ते तक चलता है, लेकिन यहाँ क्योंकि शाम को अत्यधिक ठंडा होने की वजह से हम लोग इसको 2 बजे से शुरू करते हैं, और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम महिलाएं बच्चे बुजुर्ग सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और इस बगवाल को मंगसीर बगवाल को भगवान रामचंद्र के जो कथा आप काफ़ी कथन अनुसार जो है लंका विजय के बाद जब यहाँ पर अयोध्या आए थे उसकी सूचना जौनपुर रवाई और अगलाड़ घाटी में एक महीने बाद मिला था, सूचना मिली थी, उसी इसलिए इस बगवाल को जो है एक महीने बाद मनाया जाता है, और लगभग एक हफ्ते तक इस बगवाल को हमारे संपूर्ण क्षेत्र में मनाया जाता है। पारंपरिक वेशभूषा जो है वो यहाँ पर पहनकर जो है वो लोग आए हैं, जो पर्यटक भी जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं आ जा रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं परिचय जो है वो मिल रहा है कि जौनपुर जौनसार की किस तरीके की रीति रिवाज किस तरीके संस्कृति है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासी जौनपुर रवाई जौनसार सभी लोगों को बड़ी दिवाली की हम बड़ी दिवाली मनाते हैं। यहाँ पे बड़ी दिवाली से 2-3 दिन पहले मनाई इसलिए जाती है क्योंकि यहाँ जो क्षेत्र के आसपास के लोग हैं उन लोगों को जो हमारा मेन पर्व है 3 दिन बाद होगा, वो लोग सभी लोग पहुँच जाते हैं, तो जहाँ क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, 2 दिन पहले में मनाते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को बड़ी दिवाली की शुभकामना देता हूँ। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जैसे कि पूरे शहर में जो है वो जौनपुर जौनसार के यहाँ पर लोग निवास करते हैं, तो जब ऐसा कार्यक्रम होता है तो सभी लोग जो है वो एकत्रित होते हैं, महिलाओं को मिलने का जो है वो मौका मिलता है, बच्चों को जो है वो देखने का मौका मिलता है, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पर मैं अपने
समिति के अध्यक्ष और पूरे अगलाड़ भेरी वालों के जितने भी सम्मानित हमारे सदस्यगण हैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारे अप्रवासी लोग जो हमारे मसूरी शहर में देहरादून शहर में आज बहुत से लोग हमारे अप्रवासी भाई देहरादून से भी आ रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बग्वाल जो है 22 तारीख से गांव में जो एक हफ्ते तक मनाई जाएगी। इससे पहले एक दिन का कार्यक्रम यहाँ पर शहर के वासी भी देखें कि जो है रास और तांदी नृत्य के साथ जो है जुमेले को साथ हम यहाँ तक आए और ताकि जो उसके बाद यहाँ पे होल्डो जलाया जाए। और इसके लिए मैं समिति का और पूरे शहर वासियों को धन्यवाद करता हूँ। ये विरासत है हमारी कहीं ना कहीं जो है वो पहाड़ की विरासत, पहाड़ की परंपरा जो है वो जीवित रखने का बहुत ही अच्छा ये प्रयास है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर जो है वो बहुत ही इसमें महिलाओं को जो है जुड़ने का मौका मिलता है, युवाओं को जुड़ने का मौका मिलता है और बड़ी धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। ऐसे प्रयास लगातार होते रहने चाहिए। ये बड़ा उत्साह है जौनपुर के अंदर कि जो बहुत सारे हम बाहर रहते हैं तो बहुत सारे हम घर नहीं जा पाते हैं, तो हम अपनी संस्कृति यहाँ पर दिखाने का कार्य कर रहे हैं और बहुत हम कोशिश करेंगे अगली बार कि इसका जो हम संस्कृति दिखाएंगे वो मार्केट में एक जलूस के रूप में एक का अपने संस्कृति के रूप में इसको दिखाएंगे और ज़्यादा उत्साह लाएंगे। हम हमारे साथ बुजुर्ग भी है जो विरासत हमें मिली है बुजुर्ग से, वो हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ आपको और आपकी चैनल को और आपके माध्यम से धन्यवाद। जी जो है वो जौनपुर के सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं जौनपुर जौन साहब के अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ, काफी युवाओं ने इसमें जो है वो अपनी सहभागिता की है। पकौड़े बनाए गए हैं यहाँ पे, जो है वो भांड खेली गई है जिसको भी रसाकसी हिंदी में कहे लेकिन हमारे यहाँ भांड जो है वो कहते हैं। तो मतलब काफी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है और ये हमारी संस्कृति को, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो मूल होता है वो उसकी संस्कृति होती है और ये संस्कृति को जीवित रखने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास यहाँ पर किया गया। पहले तो मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आज हमारी ये जो बगवाली पुरानी दियाएं हैं आज इसका एक त्यौहार मसूरी में बहुत उत्साह के साथ हम लोग मना रहे हैं और यहाँ पर जो मंच जिन लोगों ने संचालित किया उनको भी हार्दिक बधाई और पूरे क्षेत्रवासियों पर पूरे देशवासियों को बधाई। हमारा ये बगवाल त्यौहार पुरानी दियाएं हैं हमारी, एक्चुअली तो जो भी हमारी संस्कृति चली आ रही पूर्व से चली आ रही है, हम लोग क्या है कि हम लोग तो अभी इन चीज़ों को जान चुके हैं, जान भी रहे हैं, कहीं ना कहीं अब जो आने वाली जो पीढ़ी है इसको कहीं ना कहीं ये विलुप्त होती चली जा रही थी हमारी जो ये बग्वाल है। तो हम लोगों ने इसको इस उपरोक्त में इस चीज़ को मना रहे कि ताकि हमारी संस्कृति जिंदा रहे और आने वाली पीढ़ी इसको याद करे कि हमारी जो संस्कृति क्या है, हमारा जो रीति रिवाज क्या है, किस प्रकार को उसको मनाया जाता है, क्या इसके परिणाम होते हैं, ताकि हमारी संस्कृति विलुप्त ना हो और हमेशा जिंदा रहे। दूसरी बात ये कि हमारी जो संस्कृति है अगलाड़ यमुना विकास घाटी मंच के द्वारा मनाई जा रही है। आज हम लोग यहाँ मसूरी में हैं, चक्रता टोल है यहाँ पर, सभी लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, चूड़ा खोल और घाघरा खिंचे के साथ लोग नृत्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आने वाले समय पर हम लोग आशा करते हैं कि यही कार्यक्रम अगले साल इसी टाइम पे हम लोग मार्केट में करेंगे, बहुत ही ज़्यादा एक लार्ज स्टेज के साथ करेंगे और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहेगा ताकि देश विदेश में भी इसकी और हमारे क्षेत्र में भी इसका लोगों को पता चले कि हमारी जो संस्कृति है इसको सबको पता चलेगा, जिंदा रहेगा। धन्यवाद। जो है जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर सभी लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, महिलाओं ने, बच्चों ने, युवाओं ने, सभी में इसने जो है बढ़ चढ़ कर जो है भाग लिया है। किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति जो है वो जब तक जीवित है तभी तक व्यक्ति जीवित रहता है और जौनपुर जौनसार रवाई घाटी की ये संस्कृति है जो कि जो है वो अगलाड़ घाटी विकास मंच के द्वारा यहाँ पर लगातार उनके द्वारा प्रयास है कि ये संस्कृति हमेशा जो है वो जीवित रहे। इसी को लेकर जो है हम आपको दिखाना चाहेंगे कि युवाओं ने और महिलाओं ने किस प्रकार जो है वो जोश के साथ यहाँ पर पारंपरिक वेशभूषा के साथ नृत्य किया है। बहुत ही बुजुर्ग और बहुत ही सम्मानित नागरिक, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके की परंपरा पहले जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में थी, कितना उत्साह जो है लोगों में था, लोग गांवों में जाते थे इसको मनाते थे, लेकिन आजकल के बिजी दौर में जो है वो गांव नहीं जा पाते हैं लोग। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास जो है अगलाड़ घाटी विकास मंच के द्वारा यहाँ पर किया गया है, कम से कम लोगों को, युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलता है। क्या कहेंगे सर? जौनपुर विकास खंड का निवासी हूँ और हमारे जौनपुर और जौनसार के अंदर भरोज मेला और ये बड़ी दिवाली इसको बोलते हैं, इसको बहुत ही मेहनत से बहुत ही खुशी खुशी जो है लोग मनाते हैं। ये बड़ी दिवाली हमारे
ये कहते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी लंका जीत करके वापस आए तो उसके बाद जो है उस खुशी में जो है ये दिवाली मनाई जाती है, जिसमें हमारे पूरे 4-5 दिन का जो है ये मेला होता है, जिसमें हमारे पांडव नृत्य भी होते हैं, हमारे यहाँ जो है इसमें रसा कसी जिसको आज बोलते हैं, हमारे यहाँ उस टाइम जो है उसको भांड बोला करते थे, वो भी खींची जाती है, और उसमें जो है सभी जो हमारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सभी खुशी खुशी जो है अपनी संस्कृति को जो है याद करते हैं, और पूरे तन मन धन से जो है जो छोटी दिवाली होती है उससे भी ज़्यादा बढ़ करके हम जो है इस बड़ी दिवाली को मनाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रम जो है वो जो आने वाली युवा पीढ़ी है जो गांव क्षेत्रों में नहीं जा पाती है, अभी एक बालक ने कहा कि हमारे पेपर चल रहे हैं इसलिए हम जो है वो गांव नहीं जा पाते, तो कहीं ना कहीं आने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो है वो मूल उसकी जो है वो संस्कृति होती है, उसकी विरासत होती है, तो कहीं ना कहीं ये संस्कृति ये विरासत जीवित रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम बहुत आवश्यक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हम भी लगभग 40-45 साल से यही शहर के अंदर रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी संस्कृति को बिल्कुल नहीं छोड़ा। जितने भी हमारे गांव में त्यौहार होते हैं हम हर त्यौहार में जो गांव में अपनी उपस्थिति देते थे, लेकिन वर्तमान में एक बिजी समय होने के कारण लोग बहुत बिजी हो गए हैं, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं जो कि समय पर जो है गाँव नहीं जा पाते हैं, तो फिर उसमें जो है मैं सबसे पहले इसमें बधाई देना चाहूँगा हमारे पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष हैं श्री मनमोहन सिंह मल जी, हमारे जो इस जौनपुर अगलार घाटी यमुना घाटी के जो अध्यक्ष हैं इस टाइम श्री सूर्य सिंह जी रावत, इनके प्रयासों से हमने यहाँ पर मरोज मेला बनाना भी शुरू कर रखा है, और जब ये बड़ी दिवाली आती है इसको भी मनाने का हमने जो है पूर्ण प्रयास जो है इनके माध्यम से हुआ है, और हम सब लोग उसमें सहयोग करते हैं। तो ये थे हमारे साथ जो है जौनपुर के काफी जो है बुजुर्ग व्यक्ति, और जिन्होंने कहा कि आज भी जो है वो उत्साह कम नहीं हुआ, भले ही जो है हम पहाड़ छोड़कर जो है शहरों में रह रहे हैं, वो भी जो है वो आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जिसकी काफी मूलभूत सुविधाएं जो है वो पहाड़ों में नहीं होती, जिसके लिए जो है वो पलायन करना पड़ता है, शहरों में रहना पड़ता है, लेकिन आज भी उनके अंदर वो उत्साह, वो जोश अपनी संस्कृति के प्रति बना हुआ है।